is our Misty Mountain Resort kitchen restaurant. So we came here for breakfast now today morning. What we have is bread jam, some aloo bhaji, puri is getting ready still, sambar, there's some uttapam, idli. On this side we have poha, aloo poha, some sweet poha, and cornflakes corner. Egg section. Yeah, there are fruits, all kinds of fruits, and that's the omelette section where all you can order. There's the tea area, tea bay. So, मैंने अपने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे फ्रूट्स लिया है, वाटरमेलन, पपाया, ये थोड़ा पोहा लिया है और ऑमलेट ऑर्डर किया है. ऑमलेट आ रहा है, 3 एग वाइट ऑमलेट. रेस्टोरेंट से बाहर का व्यू बहुत ही बढ़िया है. एंड हियर इज माय 3 एग वाइट ऑमलेट जस्ट नाउ केम. Looks good. Ki kacho? Rig, what you are having? She's having bread. Only bread? And dosa and jam. Jam. So what is Aru's having? Nothing? आरुष तो फ्रूट्स तो जैसा टेस्ट होता है वैसा ही है, लेकिन पोहा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है. ऑमलेट, एग वाइट ऑमलेट और पोहा, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट हो रहा है. फाइनली माय ब्रेकफास्ट विद वन गुड ब्लैक टी, सॉरी ब्लैक कॉफी. बढ़िया टेस्ट है ब्लैक कॉफी का. ए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो आज है हमारा डे टू इन मुन्नार और अभी हम लोग जा रहे हैं स्पाइस गार्डन. आयुर्वेदिक रिट्रीट एंड एलिफेंट राइड भी वहाँ पे होता है. एंड दैट्स इन वराला, वारसाला. बाद में क्लियर करके बोलता हूँ. देख, आई थिंक वालसार, करेक्ट, वालसार. तो यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स है डिस्टेंस उसका. टाइम लगने वाला है 50 मिनट. एक नारियल से टूट के गिरा है रोड पे और नारियल कलेक्शन हो रहा है. सो वी हैव जस्ट नाउ रीच्ड टू मुन्नार स्पाइसेस. ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट बुक हम लोग ने एलिफेंट सफारी के लिए किया है. 700 रुपीज़ पर पर्सन लिया है और उसमें इसमें स्पाइस गार्डन का टिकट भी इंक्लूडेड है. तो टोटल 5 एलिफेंट सफारी का टिकट लिया है क्योंकि पारमिता नहीं जाएगी. तो मुन्नार स्पाइसेस. ये रहा स्पाइस गार्डन का एंट्री टिकट. ये सिर्फ स्पाइसेस घूमने के लिए, स्पाइस गार्डन घूमने के लिए 100 रुपये है. और अगर आप
एलिफेंट सफारी करते हैं, 700 रुपये का टिकट है वो, उसमें एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आपको ब्लैक पेपर मिल जाता है, एक दिन वाटर के अंदर डाल के रखने के, स्किन रिमूव कर दीजिए, उसको ला के पाउडर बना के क्रश करके कॉफी बना के पियो, आपके बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं। थोड़ा उनको स्पेस दे दीजिए, उनको उधर जाने दीजिए। कोको प्लांट, बेबी पाइनएप्पल, ये जो अश्वगंधा प्लांट, ये जायफल, नटमेग ट्री, दिस इज अ शॉप, आयुर्वेदिक एंड द स्पाइसेस शॉप। यहाँ पे आर्थराइटिस ऑयल देखिए, नीला हमारी, कितने टाइप के हर्बल शैम्पू है, एलोवेरा, हाइविस्कस, कोकोनट, ये ऑनियन शैम्पू, चारकोल शैम्पू, आमला, इतने टाइप के शैम्पूज, ऑयल्स। पारमिता भी शायद शैम्पू ले रही है कुछ। थोड़ा 20,000 का मेडिसिन लिया है, शायद दौड़ा पड़ने वाला है, उसका भी मेडिसिन शायद इधर से ही जाएगा तो थोड़ा बढ़ेगा वो। क्या ट्राई कर रही है यहाँ पर? गुच्ची रस करके एक कॉफी बनाता है, वो वाला ट्राई कर रही हूं, लेकिन मैंने देखा बहुत ही अच्छा है। हां, वो यही लेने का मैं सोच रही हूं। गुच्ची रस, हम लोग किधर से? बैंगलोर। बैंगलोर से, ये जो 24 आवर्स के लिए वही फ्रेग्रेंस होता है, बॉडी में लगा सकते हैं, कपड़ा कपड़ा का भी लगा सकते हैं। ये जो बॉटल में आते हैं आपको 800 का होता है। वाला जो परफ्यूम ले रहे हैं ये आउट पॉवर्टी, पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी। तो ये टोटल बॉटल का कितना प्राइस है? ये बड़ा बॉटल का, हाँ, 20,000 का परफ्यूम है देखिए। और ये भी ऑलमोस्ट आउट नागालैंड। और ये वाला, इसका नाम क्या बताएं भैया? ये केरला वाला जो है, पोड़ो, पोड़ो, पोड़ो ब्लू है। ओके, वो जो इधर इधर का फ्लावर से बनाता है, हाँ, लोकल, ये दोनों बाहर का है इसलिए थोड़ा कॉस्टली होता है। ओके, तो ये छोटा सा जो इतना सा जो बॉटल लिए हैं, तो इतना छोटा सा बॉटल का ऑलमोस्ट 1,600-2,000 इतना ऐसा कुछ रेंज होता है। बट अच्छा कलेक्शन है। डेविड ऑफ, ये क्या बाहर का है? ये बाहर का है, बाहर का। तो यहाँ पे ये जो भी वुड्स देख रहे हैं ना, ये सभी वुड से ही आपका वो ये परफ्यूम ऑयल निकलता है। अभी वो स्पाइस गार्डन से निकल के यहाँ पे कलावारा होटल, ये एरिया में दो तीन होटल है, ये नियर बाई वल्सर ही है। यहाँ पे हम लोग लिए हैं फ्राइड राइस, गोभी मंचूरियन, क्वांटिटी टेस्ट भी अच्छा ही है। और वहाँ पे लेमन राइस है, और मैंने फिश करी अलग से ऑर्डर किया, फिश करी आ रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल खाने का टेस्ट सही है। आज पूरा दिन घूम के अभी
हम लोग होटल वापस आए 5:30 बजे और मैं बहुत पर्सनली थक गया हूँ। ये जो वापस आने वाली रोड है आप लोग अभी देखे ही हैं, वो आंचल मुन्नार बाईपास रोड है, आंचल बोलते हैं, आंचल मुन्नार बाईपास रोड। बहुत स्टीप था, मतलब एक तो रास्ता पतले वाले थे लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप था। सुबह हम लोग गए थे आदिमाली वाले रोड से और अभी वापस आए आंचल वाले रोड से। तो अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव ए लाइक, शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।